हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पे हमेशा की तरह बहुत 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 स्वागत है। गाइस, आज मैं आई थिंक 20 22 23 दिन बाद मैं खुली आसमान को देख रही हूँ। कितनी खुशी है मुझे। अभी तक मैं अपने कमरे में थी, हद से हद मैं थोड़ा बहुत छत वत पे चले जाती थी, वो भी रात के टाइम पे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड मैं अभी कुछ नहीं, मैं अभी थोड़ा बाहर निकली हूँ, मुझे कुछ ग्रोसरीज वगैरह करनी थी, कुछ अपने लिए सामान लेना था, कुछ गागल वगैरह के लिए और कुछ और भी चीज़ें थी घर के लेनी थी मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं आज निकलती हूँ, थोड़ा सारे प्रिकॉशंस के साथ मैं निकली हूँ। ये देखो मास्क ऑन है और ये देखो दो दो मास्क लगाए मैंने, एक ये और एक ये, और आज थोड़ा मैंने कलरफुल भी पहना है पिंक। अभी मैं निकली हूँ और देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बहुत सारी मुझे एक एक्चुअली मेन जो रीज़न था घर से बाहर निकलने का वो ये था कि मुझे एक योगा मैट लेना था। मैंने पहले सोचा कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ अमेज़ॉन वगैरह के थ्रू, बट बिकॉज आपको पता ही है कि लॉकडाउन लग चुके हैं ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, तो सारे ही लोग जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 10-15 दिन से पहले कोई डिलीवर नहीं कर पाएगा। एंड 15 डेज इज़ वे टू मच। अभी जिम्स खुले नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं चाहती भी नहीं जिम जाके ज्वाइन करना। तो मैंने सोचा मैं योगा मैट ऑर्डर करूँगी, मैं घर पे ही अर्ली मॉर्निंग उठूँगी, अपना रूटीन ठीक करूँगी वापस से और मैं योगा स्टार्ट करूँगी। मैंने अभी बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे हैं योगा फॉर बिगनर्स, सो होपफुली आई विल स्टार्ट बाय टुमारो। आज मैंने थोड़ा किया था घर पे प्राणायाम और कपाल भारती वगैरह, काफ़ी अच्छा लगा एंड आई विल कंटिन्यू इट डूइंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। चलो अभी आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। चलिए अब हम निकल चुके हैं। ये भैंसों को देख रहे, नहीं ये गाय है, सांड है, आई डोंट नो क्या है। इनके ही मज़े हैं फ्रीली, सिर्फ आजकल यही लोग घूम सकते हैं और ठीक भी है। जानवर इनोसेंट होते हैं, इनको पूरा हक है और इंसान तो जानवर हो चुका है, इसीलिए आज जानवरों की तरह वो कैद में बंद है और जानवर खुले घूम रहे हैं। गाइस, इतना अच्छा लग रहा है, खाली खाली सड़कें और शाम का टाइम है, गर्मी भी नहीं है इतनी और मैं गाड़ी चला रही हूँ, फीलिंग सो गुड। अभी मैं जा रही हूँ राउंड ओ क्लॉक, जो कि 24 घंटे खुला होता है, यहाँ पे एक शॉप है, देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पर। योगा मैट तो मिल ही जाना चाहिए होपफुली। गाइस, हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये रहा आपका ROC, जिसको कहते हैं राउंड द क्लॉक ऑल्सो। अब देखते हैं यहाँ पे मेरा योगा मैट मिलता है या नहीं। होपफुली मिल जाना चाहिए, बट पता नहीं, लखनऊ में कुछ कहा भी नहीं जा सकता और मैं चाहती नहीं हूँ कि ऑनलाइन मंगाऊँ और मैं 12-15 दिन वेट करूँ और अपना एक्सरसाइज और भी डिले करूँ। वो विवरीज ROC, ये देखिए। वैसे अब लखनऊ में ऐसी चीज़ें बहुत खुल गई हैं जैसे बहुत ज़्यादा हमें कन्वीनियंट हो गया। देखिए लिखा हुआ है ROC 24/7 ओपन, तो अब आप किसी भी टाइम आइए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और ये सबसे ज़रूरी इक्विपमेंट है, दिस इज सैनिटाइज़र और दूसरा इक्विपमेंट ये तो होना मस्ट है। और तीसरा ये पर्स, इसके बिना भी सब बेकार है, तो डबल होना मस्ट है क्योंकि आप कहीं भी जाओगे बिना पैसों के कुछ नहीं मिलेगा आपको। वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब पे डालती हूँ, बना लूँ? वीडियो नहीं बनाइए, वीडियो बंद करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, वहाँ मैट नहीं है, हम यहाँ पे आ चुके हैं अंदर। अब जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे सारा सामान है, बट योगा मैट नॉट अवेलेबल। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाने पीने की भी चीज़ घर के लिए ले लूँ, बट यहाँ पे तो सारा कुछ जंक में है। एंड देखते हैं यदु के लिए कुछ उठा लेती हूँ, मेरा जो नेफ्यू है, पास्ता एंड ऑल दैट। शिट, सो गाइस, हम लोगों को योगा मैट नहीं मिला। मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई, थोड़ा कभी कभी चेंज करके खाने का मन करता है, कुछ हेल्दी ऑप्शंस। तो मैंने वीट पिज्ज़ा, सॉरी नॉट पिज्ज़ा, पास्ता लिया है एंड पूरा आटे का है वो, और ये रहा यहाँ रखा हुआ।
ये लिया है और अभी आगे जाके देखते हैं, घर की कुछ चीजें लेनी है, चिकन वगैरह लेना है तो वो भी लेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया गाइस, ये देखिए ऊपर है पूरा जो ये ऐसा पिंक सा लग रहा है पूरा क्लाउड, यहाँ पे देखो पिंक पिंक सा है, ग्रीनरी है, तो काफी अच्छा लग रहा है बाहर निकल के। अच्छा मैंने अभी एक चीज रियलाइज करी, मैं अभी स्टोर में थी तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं बहुत ज्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि भैया ने मना कर दिया मुझे, थोड़ा सा ही लिया है। वहाँ पे मैंने ना मुझे कुछ डियोज लेने थे, बहुत दिन से खराब हो गए थे तो डिओड्रेंट मैंने सोचा ले लेती हूँ। अच्छा मैंने डियोज डाला तो मुझे कोई स्मेल ही नहीं आई, बहुत हल्की सी, तो अभी भी ऐसा है कि आई थिंक आई एम स्टिल रिकवरिंग और बहुत हल्की हल्की सी आ रही है, तो टाइम लगेगा बट ठीक हो जाएगा सब। इसीलिए गाइज घर पे रहिए और मज़े करिए, मज़ा नहीं लाइफ। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, मास्क के अंदर से बोल रही हूँ। ये देखो 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 हॉर्न कर रहे हैं अभी जबकि सिग्नल हुआ नहीं है, मतलब लखनऊ का कुछ हो नहीं सकता है, इस वह सुधरेगी नहीं जनता यहाँ पे। सो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। अब देखते हैं, थोड़ी सब्जियाँ लेनी है घर के लिए, चिकन वगैरह लेना है, मिल जाता है तो क्या ही बात है, वाह भाई वाह हो जाएगी फिर तो। ओ शिट, चिकन शॉप शायद क्लोज है, हाँ बंद है चिकन शॉप, ट्यूसडे है ना आज। यस एक दे दीजिए पीने के लिए। सो गाइज मुझे यहाँ पे ना नारियल पानी मिल गया और ये मेरा फेवरेट है, तो मैं अभी मैंने भैया से पूछा है, सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, जो 50 रुपीज़ का नारियल पानी मिल रहा था इस टाइम में भैया मुझे 80 रुपीज़ का दे रहे हैं। बहुत बोला तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप 70-75 रुपये दे देना। तो गाइस मेरा नारियल पानी आ गया है, ये देखिए भैया सैनिटाइज आप ये दे देना, एक मिनट रुकिए। अब ऐसी चीज़ों में समझ नहीं आता उसको सैनिटाइज कैसे की जाए, क्योंकि अब ये पीने खाने की चीज़ है, सैनिटाइज बड़ी खराब सिचुएशन है भैया, बहुत ज़्यादा खराब, एकदम इंसान दुविधा में। अब जैसे ये स्ट्रॉ है ठीक है, अब ये स्ट्रॉ में अगर मैं सैनिटाइजर लगा दूंगी तो मेरा तो काम हो जाएगा, तब क्या करें, ज़रा कमेंट सेक्शन में नीचे आके इसका कुछ ऑप्शन बताइए मुझे। नारियल पानी वानी अब हो चुका है, थोड़ी चिकन की शॉप बंद है क्योंकि शायद आज ट्यूजडे है, और देखो दो दो मास्क लगा रही हूँ मैं, ज़रूरी है वाला, ये वाला मास्क ना थोड़ा ढीला हो गया है यहाँ से, तो ये यहाँ से ऐसे लटक सा जाता है, तो बट ठीक है डबल प्रोटेक्शन के लिए बुरा नहीं, इसलिए मैंने इसको अंदर की तरफ करके पहना है। और एक ही मास्क है, मैंने अभी मिंत्रा से इसको ऑर्डर किया था और अच्छा है, ये भी थोड़ा थिक है और यहाँ पे इसमें कुशनिंग भी लगी हुई है नोज पे, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। तो दो दो मास्क मैंने पहना है भाई, और सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है, इरिटेशन हो जाती है, बट अभी हो गया है, सो ग्रेट सक्सेस। यार शाम को निकली थी जब उजाला था, अभी रात हो गई है, सामान ढूंढते ढूंढते अब मैं फाइनली केमिस्ट पे पहुंची हूँ। यहाँ पे मुझे अपने लिए गागल के लिए बीटाडिन वगैरह लेना था, तो अभी बस वही ले रहे हैं। यहाँ पे गाइज रस्ते में ना क्या हुआ कि मम्मा का फ़ोन आ गया मुझे और उन्होंने बोला कि देख लो अगर कुछ खाने के लिए मिल रहा है ढंग का तो ले आओ, अब लॉकडाउन है तो सब कुछ बंद है, तो मुझे फाइनली यहाँ पे एक मोमोज वाला मिल गया है। और ये देखिए एक ब्रेड में दिखा रही हूँ गाइज, ये देखो इनका आउटलेट खुला था तो मैं यहाँ से वेज मोमोज पैक करा रही हूँ, आज ट्यूजडे है तो नॉनवेज कोई भी नहीं खाएगा, तो वेज मोमोज जिंदाबाद, ग्रेट सक्सेस। सो गाइस ये है मैंगो, ये है फ्रूट्स वगैरह जो लाए हैं और मोमोज हो गए अंदर, अब टाइम टू गेट क्वारंटीन अगेन। सो गाइस रात के बज रहे हैं 11 और हम लोग अभी छत पे आए हुए हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है इस टाइम पे, इतनी अच्छी हवा चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इट्स अमेजिंग। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है हवा की। सो अभी शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ हो गया, जो भी ग्रोसरी वगैरह लेना था हम लोगों को सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब हम लोगों को क्या, मुझे बहुत दिनों बाद में बाहर गई थी
और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे खुली हवा में सांस लेते हुए। सॉरी थोड़ा सा डार्क होगा बैकग्राउंड और मेरी शक्ल, क्योंकि मैं छत पे हूँ और यहाँ पे अंधेरा है और ये वाइट लाइट पड़ रही है दीवार पे, तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है तो थोड़ी सी लाइट दिख रही है। बट अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में, या दुबिया साथ में दूर है थोड़ा, तो मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए एंड मजानी लाइफ। यदु दिखाओ तुम कहाँ पर हो, दिशो ना रात में साइकिल चला रहा है, ये देखो, आई डोंट नो इफ ही इज विजिबल, दिख रहा है। सो गाइज मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, ओके बाय।